जमशेदपुर के उपायुक्त सूरज कुमार और एसएसपी एम तमिलवानन ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान वैक्सीन सेंटर, ऑक्सीजन पाइपलाइन के अलावा बन रहे नए आईसीयू वार्ड का भी निरीक्षण किया गया। उपायुक्त ने स्वास्थ्यकर्मियों से मुलाकात कर उन्हें कई दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर एसएसपी ने अस्पताल की विधि व्यवस्था का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने कहा कि मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। नेशन न्यूज़ के लिए जमशेदपुर से शिवशंकर साह की रिपोर्ट। अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो कोविड वैक्सीनेशन हो रहा है उस सेंटर का निरीक्षण किया। ये बड़े हर्ष की बात है कि जमशेदपुर में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा जागरूकता है, और जो हम लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से इंफॉर्मेशन दी है, जो हमारे पास वैक्सीनेशन अवेलेबल था, उसके साथ में आज की संख्या में लोगों का तनाव देखा जा रहा है। हमारे जमशेदपुर को स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने अश्योर किया है कि अगर हम अपनी वैक्सीन जो हमारे स्टॉक में है उसको एग्जॉस्ट कर लेते हैं तो अगली वैक्सीन की खेप हम लोग को जल्द से जल्द उपलब्ध कराएंगे। इसी क्रम में आज हम लोगों ने बहुत सारे सेंटर खोले हैं और जो हमारी स्टॉक है उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे जो हम लोग ऑक्सीजन पाइपलाइन सप्लाई की हुई है उसका मोनिटर का निरीक्षण किया है, और सिविल सर्जन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सिविल सर्जन के इनिशिएटिव से यहाँ पे एक आईसीयू 4 बेड का भी निर्माण कार्य जारी है, जिसको जल्दी हम लोग प्रारंभ करेंगे ताकि अगर कोई कोविड पेशेंट यहाँ सीरियस होता है तो उसको हम लोग यहीं सदर हॉस्पिटल में ही उसका हायर ऑपरेशन और इलाज जो है वो कर सकें। इसके अलावा सदर हॉस्पिटल में डायलिसिस की भी सुविधा शुरू होनी है, उसके भी प्लेस का निरीक्षण किया गया, और अविलंब हम लोग इनके जो डायलिसिस के फंड है उसको भी रिलीज कर देंगे। साथ ही साथ सदर हॉस्पिटल में एक नए भवन का भी निर्माण होना है ताकि वार्ड्स और नंबर ऑफ बेड्स की संख्या जो है उसको और बढ़ाया जा सके, वो भी हम लोग इमीडिएटली उसको इंक्रीज कर रहे हैं। तो एक अच्छी फैसिलिटी के रूप में सदर हॉस्पिटल यहाँ पर उभर रहा है, और जिला प्रशासन की कोशिश रही कि सदर हॉस्पिटल को जितना ज़्यादा सशक्त कर सकें ताकि आम जनों को जो होने वाली परेशानी है या इंजीएम में जो इतना लोड पड़ता है वो पर्टिकुलर लोड जो है वो सदर हॉस्पिटल देने के लिए। सर, जिला प्रशासन की तो जो नए संसाधन आएंगे तो वैसे में मैन पावर किस तरह से डेवलप करेंगे आप? अभी इमीडिएटली जैसा मैंने बताया कि हम लोग बाहर के जो राज्य हैं उनकी मैन पावर एजेंसी के साथ में कॉन्टेक्ट में है ताकि मैन पावर हम लोगों को इमीडिएटली मिल सके। स्टेट एनएसएम के द्वारा हम लोगों को डायरेक्शन भी मिला है कि हम लोग इमीडिएटली जो है मैन पावर 1 वर्ष के लिए हायर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों के स्वास्थ्य मंत्री से एवं स्टेट के हेल्थ डिपार्टमेंट से भी लगातार परिचर्चा हो रही है कि हम लोग को परमानेंट मैन पावर क्रिएट करने की जरूरत है, और उस परमानेंट मैन पावर के लिए जो हम लोग है वैकेंसी हर एक फैसिलिटी की उसको हम लोग मैप कर रहे हैं, और मैप करने के बाद उसको हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट को देंगे, और हमें विश्वास है कि हेल्थ डिपार्टमेंट इसके ऊपर जो है वो एक बड़ी पहल जो है वो जल्दी शुरू करेंगे।